इसको इस तरह से कॉइल भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कॉइल करके इसका इधर की तरफ सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है, तो जब ये एक लेवल में आ जाए, इसके बाद इसका हाथ क्रॉस करके रखो, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा तो पेन ज़्यादा होगा, पेन होने के लिए इस तरह। अरे वो बैंडेज पहले भी हमने एपेक्स यहाँ ही रखा था, लेकिन नीचे रखा था, इसको ऊपर रखें, ठीक है, मतलब भी नहीं होगा, आगे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम है, पहला हमने नीचे रखा था, अभी हमने इसको ऊपर रखा, ठीक है। अभी देखो इधर नॉट मार सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो अपर उसको लगा है, तो हमको इसको क्या करना है, उसके अपोजिट साइड में रखना है, चाहे तो उसको एक हाथ से सपोर्ट लेने को बोल सकते हैं अगर चाहिए। अब ये सिकल यहाँ पर रखा, ये दूसरा एंड है, नीचे से इसके हाथ के नीचे से खिंचके लेना है, खिंचके लेना, और यहाँ पर सेम नॉट मारना है, रिप मारना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी बैंडेजिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, सेम में यहाँ पर अगर लग रहा है कुछ आपके पास पिन है, उसको अदरवाइज इसको पकड़ो, इस पर पकड़ के इसको अंदर थोड़ा टाइट होने तक, इतना भी टाइट नहीं करना कि कुछ इस तरह से अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको अगर डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ करके मैं इतना साइलेंटली हूँ, क्योंकि आई एम डेमोस्ट्रेटिंग समथिंग, एक्चुअल कैलकुलेटर रहेगा तो नहीं, वो तो चिल्लाएगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग में बेसिकली नहीं करते, उसको अटेंशन डाइवर्ट करो।